बढ़ते प्याज की कीमतों के बीच अब शादी के 7 वचनों के बीच ही नवविवाहित दंपति प्याज और लहसुन को लेकर किचकिच न करने की कसमें भी खा रहे हैं और इसी के चलते शनिवार को पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के नगवा इलाके में शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन को फूल की बनी माला के बजाय प्याज और लहसुन की माला पहनाकर शादी कराई गई। इतना ही नहीं, एक दूसरे से प्याज और लहसुन को लेकर जिंदगी भर लड़ाई न करने की कसमें भी खिलाई गई। हद तो तब हो गई जब शादी में आए मेहमानों ने भी नवविवाहिता को गिफ्ट में प्याज और लहसुन ही भेंट किया। वाराणसी में हुई इस अनोखी शादी की चर्चा पूरे शहर में है। देखिए, गृहस्थ जीवन में महिलाओं को सबसे ज्यादा कचकच होती है कब, जबकि महंगाई बढ़ जाती है। किचन संभालना उनको महंगा, जब दिक्कत होती है तो परिवार में विद्रोह की स्थिति आती है। हम लोगों ने इस नवविवाहित जोड़े को प्याज और लहसुन गिफ्ट करके ये बताने काम किया कि अभी आपका नई शादी है, इसलिए प्याज को लेकर के आपके जीवन में कोई कांदे को लेकर कोई वांदा ना हो आपको, इसलिए हम लोगों ने इनको ये गिफ्ट दिया। और सरकारों को आईना दिखाने काम किया है कि जो लोग कहा करते थे गरीब आदमी नून रोटी प्याज खा के भी अपना जीवन जी लेगा, आज प्याज खाने वाले को आज लोग शायद गरीब अब नहीं समझ रहे हैं। आज महिलाएं अगर 1 किलो प्याज हाथ में लेके जा रही हैं तो अगर सुनसान रास्ते पर उनको ये डर लग रहा है कहीं मेरा प्याज कोई छीन न ले, जहां उनको गहनों को लेकर डर लगता था आज उनको प्याज को लेकर डर लग रहा है। इस सरकार जब जब भाजपा की आती है हम नहीं समझ पाते, अटल जी की सरकार में भी प्याज की कीमत बढ़ गई।